हेलो गाइस, स्वागत है आपका क्रेजी ऑटो 360 में। आज हमारे साथ हैं ह्युंडई i10 2009 मॉडल के प्राउड ओनर, ये हमारे यस्तनवर भाई जी। तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। भाई मेरा नाम है यस्तनवर और मैं मांडी गांव का रहने वाला हूँ, जो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे पड़ता है। तो ये हमारी ह्युंडई की i10 है, आज भाई के पास इसी का रिव्यू करवाने के लिए आए। तो ये कौन सी मॉडल गाड़ी है आपकी? 2009 मॉडल है और बेस मॉडल गाड़ी है ये। तो इसको लिए कितने टाइम हो चुका है आपको? ये हमने सेकंड हैंड परचेज की थी अभी साल भर पहले। अच्छा, तो आपको साल भर एक्सपीरियंस हो चुका है इस गाड़ी को चलाते चलाते? कितनी चला चुके हो आप इसको? तो साल भर में हमने 10,000 चला दी, हमने जब 85,000 पे खरीदी थी और अभी 95,000 चल चुकी है गाड़ी को। तो गाड़ी को लेके आपको ठीक ठाक एक्सपीरियंस है? हाँ, गाड़ी का मतलब ओवरऑल ठीक एक्सपीरियंस है, ना तो इतनी कुछ खराब है ना इतनी बढ़िया गाड़ी है। तो एक साल पहले जैसा आप बता रहे हैं आपने 2009 मॉडल ली थी, तो कितने की पड़ गई थी आपको? ये हमने 1,00,000 की ली थी, कुल टोटल 1,00,000 की, और 10,000 का इसके ऊपर से काम कर रहा है। सेकंड हैंड गाड़ी है तो काम करवाना तो पड़ता ही है। मतलब आपको 1,10,000-1,15,000 की? 1,10,000-1,15,000 की पड़ गई थी हमें। आपने सही ले ली उस टाइम, तो ये 4-5 कुछ आती थी ना स्टार्टिंग इसकी, इतनी थी 4-5 से स्टार्टिंग होती थी। इतना पुरानी गाड़ी है तो इतना कुछ इसका वो भी नहीं पता प्राइसिंग का, पर ठीक डील है। मतलब i10 की जो मार्केट वैल्यू वो इतनी ही है। गाड़ी तो आपको सही मिल गई जैसा आप बता रहे हैं, ये सेकंड हैंड है तो इसको देख के लगता नहीं है ये सेकंड हैंड। तो जैसा कि आप 2009 मॉडल गाड़ी चला रहे हैं, तो इसको आपको, ये 12-13 साल पुरानी गाड़ी है, तो इंजन वगैरह इसका दब के चलता है, कुछ दिक्कत नहीं है? इंजन तो दब के चलता है जब एसी ऑन कर देंगे। मतलब एसी का जो बोलते हैं ना, मारुति जैन में बूस्ट बटन होता था, तो सेम ऐसी इनमें सब में था पुरानी गाड़ियों में। तो एसी चलाएंगे तो थोड़ी सी दब जाती है, फिर इसमें 1.1 लीटर का सेंट्रो वाला इंजन आता है। जो सेंट्रो में इंजन आता है वो इसी में लगा के दे रहे हैं, इसी में लगा के दे रहे हैं क्योंकि ये बेस मॉडल है। अब इससे अगर एक वेरिएंट भी आप लेंगे ना, मैग्ना लेंगे, तो उसमें 1200 cc का इंजन आता है 1.2 लीटर का। तो ये तो बहुत तगड़ा खेल खेल रही थी हुंडई उस टाइम पे, कॉस्ट कटिंग कर दी ना। मतलब इंजन बॉडी आइटम की, इंजन सेंट्रो वाला, और देख लो सही काम चल रहा है भाई। पर ठीक है, पुरानी गाड़ी के हिसाब से तो बढ़िया है। तो जैसा कि आप इसे 1 साल से चला सके, तो आप इस गाड़ी के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव बता सकते हैं? बता सकते हैं बिल्कुल। तो इसके पॉजिटिव पे आते हैं, पॉजिटिव क्या क्या लगे आपको पहले इसके? पॉजिटिव तो भाई सबसे पहले यही है कि गाड़ी छोटी है और सेकंड हैंड गाड़ी है, तो कहीं भी अगर मोड़ तोड़ भी रहे हैं हम गाड़ी को, तो अगर थोड़ी बहुत भी जैसे उधर मैंने बताया लग गई थी, तो इतना कुछ दुख नहीं होता। अब भाई हम नई गाड़ी लेते तो फिर ये दुख होता है कि यार नई गाड़ी लग। हाँ सही बात है। और छोटी गाड़ी है तो कहीं पे भी घुस जाती है, छोटी मोटी पार्किंग कहीं भी कंजेस्टेड एरिया में ले जाओ। हाँ ये तो सही, ये तो सही कह रहे हो। तो पॉजिटिव तो सबसे बड़ा तो यही है। फिर ह्युंडई की रिलायबिलिटी है। हाँ कि ह्युंडई मतलब एक रिलायबल ब्रांड है, इंजन इसके खूब ठीक ठाक चल जाते हैं, 1.5-2 लाख तक हमने खूब चलाई हुई गाड़ी है। इससे पहले कौन सी गाड़ी यूज कर रहे थे आप? इससे पहले हमारे पास थी 2006 मॉडल सेंट्रो थी हमारे पास पहले। वो कितने साल चलाई आपने? वो भी हमने सेकंड हैंड ली थी। अच्छा, वो 1.5 साल चलाई थी। उसके बाद आपने उसकी हमने पहुंचा दी थी 1.30 तक पहुंचा दी थी उसका मीटर। उसके बाद आपने ह्युंडई i10 पे स्विच करा है। ये गाड़ी पेट्रोल में है या सीएनजी में है? ये सीएनजी लगवाई है, इसमें आफ्टर मार्केट है। तो सीएनजी का रिस्पांस कैसा है इसमें? सीएनजी का बढ़िया है, माइलेज 1 नंबर देती है गाड़ी। फिर भी कुछ माइलेज बता सकते हैं कैसे निकालती है? मतलब करवा लेंगे 350 में तो चल जाती है 200 तक। तो ये तो बहुत किलोमीटर बढ़िया चल जाएगी। तो ये तो बहुत बढ़िया माइलेज दे रही है। और पेट्रोल वगैरह हम चेक करिए कभी आपने? पेट्रोल में चेक करिए इसकी माइलेज? पेट्रोल में नहीं करिए। पेट्रोल में तो उस टाइम ये 18-19 कुछ की देती थी। हाँ 18-19 की, वो ये ना इंजन रिलायबल था और सेंट्रो भी बढ़िया माइलेज देती है, उसी का इंजन है तो ऐसी ये माइलेज देती है। इसमें जैसे देख सकते हैं, ये आपने व्हील कप चेंज कराए हुए हैं? व्हील कप नहीं, इसका पूरा मैंने टायर चेंज कराया हुआ है, ये जो है ना ग्रैंड i10 वाले टायर लगाए हुए। प्रोफाइल भी चेंज होगी फिर तो इसके टायर की? हाँ प्रोफाइल चेंज होगी, ये ना 155/65 R14 और इसमें आते हैं 155/80 R13 की। तो एक साइज अप करा रखा है अपने इसका? अप तो है पर उससे ग्राउंड क्लीयरेंस कम होगी इसकी। अच्छा, ये छोटे मोटे जैसे धचकी होती है ना, छोटे मोटे से तो निकल जाएगी, इतनी बड़ी टाइप की आ गई धचकी तो उस बैठ जाती है, पर लुक बढ़िया बन गई इससे। और इसमें जैसा हम देख सकते हैं आपने आफ्टर मार्केट काम भी करा रखा है, रूफ रूफ रैप करा रखी है आपने, मैट ब्लैक हमने उसी में करा रखी है पहले से। अच्छा पहले से। इसके पिलर भी रैप है? पिलर विलर सब जो काम है इसमें, हमने इतना कुछ छेड़छाड़ नहीं करी, बस टायर इसके एक स्पीकर लगवाया, ऐसी कुछ इसकी साइड लुक आ जाती है। तो ये तो आपके पॉजिटिव थे, अब आपको डिसएडवांटेज क्या लगती है इस गाड़ी की? डिसएडवांटेज वही बताया ना भाई, एक तो हो गया ग्राउंड क्लीयरेंस का। अच्छा, और एक ये इंजन का छोटा इंजन देती है इसमें। मतलब एक मॉडल ऊपर लो तो फिर सीधे वो मिलता है 1.2 लीटर का और इसमें मिलता है 1.1 लीटर का। हाँ तो बहुत बहुत डिफरेंस आ जाता है उससे तो।
पावर में दिक्कत आती है। फिर इसके जो साइड मिरर है ना, ये इसमें आते हैं सेंट्रो वाले, ये साइड मिरर जो है सेंट्रो वाले देती है। अब इससे एक मॉडल ऊपर लो तो उसमें वो मिल जाते हैं पूरे, ये बिल्कुल सेम सेंट्रो के हैं, बिल्कुल सेम सेंट्रो के हैं। बस ये इसका ये वाला पोर्शन राइट हैंड का और ये सेंट्रो वाले, मतलब मिक्स मैच चल रहा है सेंट्रो का राइट हैंड का, सेंट्रो राइट हैंड आधी सेंट्रो आधी राइट हैंड है। और कुछ इसका नेगेटिव, नेगेटिव इसका एक पीछे का स्पेस बहुत कम है। इसका जो स्पेस है ना, जिसमें अगर बैक पर दिखाऊं तो पैर मेरे अट जाते हैं पूरे, हेड स्पेस तो ठीक है पर पैर अट जाते हैं मेरे पूरे इसमें। अब ये सीट ड्राइवर के अकॉर्डिंग एडजस्ट सीट, तो पैर अट जाते हैं इसमें, ये दिक्कत है। इसमें आगे पावर विंडो भी आगे की दो ही आती है, वो ये 2009 मॉडल है, उस टाइम दो पावर विंडो ही बहुत थी। ये इसमें येलो कलर के दे रखे है, वाइट भी नहीं दे रखे। इसके ऊपर वाले मॉडल में सब में वाइट आते हैं, छोटी जगह कॉस्ट कटिंग कर रखी है ये। इसके एक ऊपर वाले मॉडल में वाइट दे रखे है, इसमें देने में क्या दिक्कत थी। तो ये छोटी छोटी चीज है इसमें और तो क्या, जैसा आपने गाड़ी में आफ्टर मार्केट सी एन जी लगाई हुई है तो इससे कोई कभी दिक्कत नहीं आई। दिक्कत ऐसे कुछ चलाने में तो आती नहीं है, बस थोड़ी सी गाड़ी दबती है क्योंकि ट्यूनिंग में दिक्कत वो होती है ना, विंडो वाले अपने हिसाब से ट्यून करके देते हैं और बाहर वाले अपने हिसाब से। मतलब ओवरऑल सी एन जी बढ़िया चल रही है इसमें, ओवरऑल सी एन जी बढ़िया, पर एक दिक्कत आती है बूट स्पेस की, बूट स्पेस खत्म हो जाता होगा बिल्कुल ही, बूट स्पेस खत्म तो हो गया, पर जो कंपनी लगा के देते है वो तो लगाती है पीछे सिलेंडर, अच्छा उसमें स्टेपनी नीचे घुस जाएगी आपकी, जहाँ इसकी ओरिजिनल प्लेस है वहीं पर लगी जाएगी। पर अब जैसे आफ्टर मार्केट लगवाई है वो लगाते हैं सीट से चिपका के, तो स्टेपनी ऐसे खड़ी जाएगी और फिर ये आवाज करती है चलती गाड़ी में, दर 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 बजती है। हाँ। तो उसके लिए फिर ये स्टेपनी अलग से रखी हुई है ना, यहाँ स्टेपनी अलग से रखी हुई है तो फिर ये जुगाड़ करने पड़ते हैं। कंपनी का काम कंपनी का ही रहता है, आफ्टर मार्केट। इस गाड़ी के साथ कभी एक्सीडेंट फेस हुआ कभी आपको? एक्सीडेंट ये मैंने बताया था, बस एक ही हुआ था, यहाँ से बाइक वाला आया था, दो बाइक वाले थे वो सीधा इसके अंदर घुस गए थे, तो डैमेज हल्का फुल्का ही पहुंचा है। बिल्ड क्वालिटी बहुत सही है, उस टाइम के हिसाब से देखे तो बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी है मिलती है। मारुति वाले की गाड़ी आप यहां से दबाओगे तो वैसे ही पे चल जाएगी, अंदर घुस जाएगी वो, तो अंदर घुस जाएगी पूरी। अब इसे दबा लो कुछ भी नहीं होता इनमें, पर सही है पुरानी गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी बढ़िया, पर कुल मिला के सही है गाड़ी के देखे सामने से तो बढ़िया गाड़ी है, कुल मिला सामने से देखे गाड़ी तो लगती नहीं है 2009 मॉडल है। तो इसके इंटीरियर में क्या कमी लगती है आपको? इंटीरियर में भाई ऐसी कोई कमी है नहीं, इंटीरियर में ऐसी कोई कमी है नहीं, पर एक ये इसमें आता है ना आपको आरपीएम मीटर, आरपीएम मीटर वो ये, अब इसके एक अब मॉडल लोगे तो आरपीएम मीटर आ जाएगा, मतलब मैगना इसका वैल्यू फॉर मनी मॉडल था, अब बस वही है हमने सेकंड हैंड लिया तो इतना कुछ उस टाइम में पता नहीं था। इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं लगाया आपने कुछ? अच्छा सिस्टम इसमें पहले से ही लग रहा है ये वाला, बस हमने स्पीकर चेंज करवाए थे इसमें। आपने इसे चेंज करवाने की नहीं सोची? जैसा आजकल चल रहा है एंड्रॉइड ओप्पो एप्पल कार प्ले के बिना दुनिया चली नहीं रही रोड पे, अब ठीक है आपका मन नहीं करता, हम तो फोन में चला लेते हैं और ऑक्स वॉक्स से अपना काम बन जाता है, इतना कुछ हमें जरूरत भी नहीं है। इसमें हम देख सकते हैं जैसा कि वो मिलती है डंडी सी मिलती है, ये तो बहुत बड़ा फीचर था उस टाइम पे, वरना हाथ से पकड़ के बाहर से ही जाने पड़ते थे। ये भी 2009 का टॉप फीचर में आता गिना जाता था ये। ऐसा तो आजकल पंच में भी नहीं आ रही, पंच में भी नहीं आ रही। फिर इसमें शीशा भी मिलता है, कौन देता है आपको इतनी सस्ती गाड़ी में शीशा? ये तो सही कह रहे हो आप। ये हैंड रेस्ट आपने आफ्टर मार्केट गिरवाया हुआ है? लकड़ी का हैंड रेस्ट गिरवाया, प्लास्टिक। इससे आपको हैंड ब्रेक दबाने में प्रॉब्लम फेस नहीं होती? हैंड ब्रेक अब खड़ी करनी है और जब चलानी है तभी हैंड ब्रेक छेड़नी है, वरना बीच में तो कुछ करना नहीं, तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, मेजर ठीक चल रही है। इसका जो गियर है ये भी थोड़ा उठ के प्लेस है। तो ऐसा कुछ था हमारे यश भाई का उनके i10 को लेकर एक्सपीरियंस। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।